बुरहानपुर जिले के विद्युत मंडल पेंशनर एसोसिएशन द्वारा पुरानी पेंशन और 2006 और 2016 में घोषित एरियर अभी तक नहीं दिए जाने को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। पेंशनर का कहना है कि जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 38% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है तो फिर हमें 33% क्यों। उन्होंने कहा कि हम सरकार को चेतावनी देने आए हैं कि 2 मार्च से हमारा आंदोलन होगा, फिर भी सरकार नहीं जागी तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। विरोध कर रहे हैं और मांगे क्या है आप लोगों की? देखिए सर, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ, विद्युत मंडल पेंशनर एसोसिएशन पूरे राज्य की हो या कर्मचारी जो हमारे दूसरे संगठन के, सबकी मांगे वर्तमान में एक ही, वो मांगे ये है कि जो 2006 में और 2016 में जो हमारा पेंशनर का जो DR डिक्लेयर हुआ था, वेतन आयोग डिक्लेयर हुआ था, उसमें हमारा 27 महीने का और 31 महीने का एरियर अभी तक नहीं दिया गया। दूसरी बात यह है कि जब राज्य शासन के कर्मचारियों को, रेगुलर कर्मचारियों को और केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को 38% महंगाई राहत दी गई है, परंतु हमें 33% दी गई है, उसमें भी अभी लंबा आंदोलन करने के बाद हमारा 11% बढ़ा है। अभी जो 5% हम पीछे हैं केंद्रीय सरकार के, वो 5% की हमारी मांग है। तीसरी बात यह है जो सबसे इम्पोर्टेंट है विद्युत मंडलों के कर्मचारियों के लिए कि हम सरकार के ऊपर हमारा कोई भार नहीं, हम सरकार से एक भी पैसे की मदद नहीं मांगते। जो पैसा हमको महंगाई राहत के लिए दिया जाता है, महंगाई भत्ते के लिए दिया जाता है, उसका पूरा का पूरा पैसा हम पब्लिक से वसूल करते हैं बिलों के माध्यम से। सरकार इसमें किसी प्रकार की सब्सिडी देती है, मगर जरूर जबरदस्ती सरकार ने पैसा वसूल करने के बाद अन्य खर्चों में उसका उपयोग कर लिया और हमारी महंगाई राहत रोक दी गई है, जबकि केंद्रीय सरकार ने 38% कर दिए। तो हमारी मांग यह है कि जो पैसा पब्लिक से लिया गया है, हमारे लिए लिया गया है, इस साल 2108 करोड़ रुपया टेरिफ के माध्यम से वसूल किया गया, परंतु हमें नहीं दिया गया। तो ये आप स्वयं सोच सकते हैं कि इसको हम किस धारा में लेंगे, अमारत में खयानत में लेंगे। विरोध क्या होगा आगे, क्या विरोध? आगे हमारा विरोध 2 मार्च को हमारा जो है सभी पेंशन शादी पूर्ण मध्य प्रदेश में प्रदर्शन करेंगे, सरकार को जलाने की कोशिश करेंगे। अगर सरकार नहीं जगती है तो हमारा आंदोलन तो जारी रहेगा और हो सकता है कि आगामी चुनाव में हम चुनाव का बहिष्कार करें या अन्य विकल्पों में विचार करें। उसके पहले अगर सरकार जगती है, हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं पड़ते हैं, हमारी जो बुजुर्गों की मांग है जिसके लिए सरकार के लिए हमने ये आयोग बनाया, कला आयोग बनाया। कितने बुजुर्ग प्रदेश में, देश में पेंशनर बुजुर्ग में अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो 10 लाख पेंशनर्स हैं, विद्युत मंडल की बात करें तो 53,000 पेंशनर हैं अभी वर्तमान में। दोस्तों, न्यूज चेक लाइव के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस करें।